मैं जो है व्यापम में आप लोगों के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स भर्ती निकल कर आ रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्यापम में इस समय आप लोग जितना ज़्यादा आप लोगों ने उम्मीद किया था ना कि भर्ती आएंगे आएंगे, आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा भर्ती हैं, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जो है वैकेंसीज है। के बाद एक जो है आप लोगों को अपडेट जो है देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने जो है जारी किया शिक्षक के 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती। जी हाँ, अब से जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के नए भर्ती 10,000 शिक्षकों के नए पोस्टर नया प्रेस विज्ञापित जो है जारी हो चुका है। किस तरीके से आप जो है शिक्षक बन सकते हैं, शिक्षक बनने के लिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशंस कोर्स होना चाहिए और कैसे आपको पढ़ाई करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो सके, और किस तरीके से आपको पढ़ाई प्रिपरेशंस करना है ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन जो है हो पाए, सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो शिक्षक का जो जॉब होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो है शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है स्नातक कम्प्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो है कम्प्लीट होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से हो, बस आपका ग्रेजुएशन यदि कम्प्लीट है और तो आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन होना भी काफ़ी नहीं है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए या डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, शिक्षक बनने के लिए बीएड डीएलएड ज़रूरी है। बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, 2 वर्ष का बीएड होता है। डीएलएड की बात करें तो वो 12वीं के बाद जो है डीएलएड कोर्स किया जाता है, और प्लस बीएससी बीएड भी कर सकते हैं, बीए बीएड भी कर सकते हैं। तो यदि आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है, बीएड कम्प्लीट है, तो आप जो है शिक्षक के 10,000 पोस्ट के लिए जो है बहुत ही आसानी से जो है आप आवेदन कर पाएंगे। और शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें सिर्फ क्या ग्रेजुएशन और बीएड वाले स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे, जी नहीं, आपका टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन से नियम है, उन सभी रूल रेगुलेशंस को आपको जो है फॉलो करना है। तो टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई आपका होना चाहिए। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आपका जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जो है एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बिना टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई के आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक जो है नहीं बन पाएंगे। तो टेट एग्ज़ाम अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है, टेट जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सी टेट, दूसरा होता है ए स्टेट। ए स्टेट मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो आपका सी जी टेट होगा, और सी जी टेट हो या फिर सी टेट, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। सी टेट जो है ए स्टेट से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सी टेट में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पूरे भारत के हिंदुस्तान के सभी राज्य के स्टूडेंट उसमें आवेदन करते हैं, तब जाके और सभी स्टूडेंट के बीच में आपको कॉम्पिटिशन्स करना पड़ता है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होता है। तो सी टेट में आपको और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका सी जी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो चुका है तो आप जो है शिक्षक के 10,000 नए भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा के लिए आप जो है बहुत ही आसानी से जो आवेदन कर पाएंगे। तो हर एक महीने में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका मेहनत अच्छे से रहेगा, तैयारी अच्छे से रहेगा, तो डेफिनेटली इसमें तरक्की, डेफिनेटली इसमें कामयाबी भी आपको जो है मिल पाएगा। और ज़िंदगी में ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार मैं कामयाब हो पाऊँगा या फिर नहीं हो पाऊँगा, मुझे सक्सेस मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगा। आप जो है हार क्यों मानते हो? देखिए, मेहनत किए बगैर ना परिणाम के बारे में मत सोचो, और काम करने से पहले हार के बारे में मत सोचो। आपको किसी ने बोल दिया है क्या क्या आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर नहीं होने वाला, आपका ज़िंदगी ज़रूर बेहतर होगा आने वाला। कितना भी अभी जो आपका वर्तमान समय चल रहा है, कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, आने वाला समय जब आएगा तो जितने भी मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं, जितने भी मुश्किल वक्त हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स का हल जो है हो जाता है। बस उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। वक्त सबका आता है, पर उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में सब्र है, सब्र एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी, बहुत ज़्यादा सफलताएँ जो है मिल सकती है। तो सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में सब्र है, अगर आप में पेशेंस है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगा, डेफिनेटली आपको तरक्की मिलेगा। बस हमें मेहनत करना, तैयारी करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
क्या हुआ अगर हमें इस वक्त सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आज हमें कामयाबी नहीं मिल पा रहा, सक्सेस नहीं मिल पा रहा तो हमारी ज़िंदगी ऐसा ही होगा। बिल्कुल नहीं, आने वाला समय आज से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, आने वाला समय जो है आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। बस इसके लिए हमें वर्क करना है, इसके लिए हमें तैयारी करना है, और अगर हम मेहनत अगर अच्छे से करेंगे, तैयारी अगर अच्छे से करेंगे, तो डेफिनेटली हमें सफलताएँ, डेफिनेटली हमें कामयाबी जो है मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 10,000 पदों पर भर्ती है, 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके एक अंक के होंगे, 1/4 इसमें माइनस मार्किंग भी निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बच कर रहना, और अगर आप माइनस मार्किंग से बच जाते हैं, निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं, तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर गेन कर सकते हैं। बस वर्क करते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का रिज़ल्ट, मेहनत का फल और सब्र का फल हमेशा अच्छा होता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बस उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। अगर कई लोग होंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि यार पढ़ाई मत कर, आराम कर, चैन के साथ नींद ले, चैन के साथ सो, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जितना अगर आप अपने लाइफ के बारे में अगर सीरियस नहीं हैं, अगर तुम्हारा उम्र 20-22 साल की एज है, और अगर इस वक्त अभी तुम अगर आराम कर रहे हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, तो तुम्हारी ज़िंदगी कोई भी किसी भी प्रकार की व्यर्थ, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से व्यर्थ है। क्योंकि इस वक्त तो आपको आराम से, सुकून के साथ, सुकून से नींद आना ही नहीं चाहिए। आपको तो अपने स्ट्रेस आपको जो है होना चाहिए कि यार मेरा ये समस्या, ये प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं। तो आराम मत करो, मेहनत करो, तैयारी करो, और एक ही बार आपको मेहनत करना है, और एक बार कहीं अगर आप सक्सेस हो गए, एक बार अगर आपको कामयाबी मिल गया, उसके बाद आप जो है जितना ज़्यादा आराम करना चाहते हैं ना, उतना ज़्यादा आराम कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको मेहनत करना है। अगर मेहनत करना चाहते हो तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से हार्ड वर्क करो, अच्छे से प्रिपरेशंस करो, क्योंकि सपने आपके हैं और उन सपनों को पूरा जो है आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपका साथ देने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ही मेहनत करना है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोस को शेयर कीजिए। सो इसी तरीके से मेरे चैनल्स पर जो है नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। बस अपना ख्याल रखना, कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहना, सपने आपके हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। सो थैंक यू।